स्वामीनारायण मंदिर तर्फे राधाकृष्ण रुग्णालयाला 3 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर दान करण्यात आले. यावेळी स्वामीनारायण मंदिरातील प्रमुख संस्थाचालक पूज्य मुनिदर्शन जी आणि पूज्य हरिराज स्वामीजींची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच श्री राधाकृष्ण चॅरिटेबल ट्रस्टच्या अध्यक्षासह संपूर्ण पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते. स्वामीनारायण मंदिर की शुरुआत हुई तब से राधा कृष्ण हॉस्पिटल एवं राधा कृष्ण मंदिर का जो संबंध और प्रमुख स्वामी महाराज जब यहाँ आए थे, पवन भैया ने अभी बताया कि उस वक्त श्याम सुंदर मंदिर यहाँ थे और प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन के लिए वो बार बार आते थे. और आप सभी को शायद पता होगा या नहीं, लेकिन उन्होंने ही प्रमुख स्वामी महाराज के पास दरखास्त रखी थी कि ये जो ट्रस्ट है वो आपकी संस्था संभाले. लेकिन उस वक्त इतने ज़्यादा हरिभक्त और कुछ सेटअप नहीं था और प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद पहले से ही ये राधा कृष्ण मंदिर एवं राधा कृष्ण हॉस्पिटल पर सदैव है और आगे जाके भी रहेगा. BAPS परिवार एवं ये हॉस्पिटल का पूरा परिवार यानी आप सभी और आपका पूरा स्टाफ, तो उनको साथ में लेकर आगे जाके भी हम अच्छी प्रगति भी कर पाएंगे एवं जो संस्था का जो मेन विजन जो है व्यसन मुक्ति, बच्चों के संस्कार और जिस वक्त जो जो समाज में आपत्ति आई है, जिस वक्त भूकंप आया था तो गुजरात में भी ये संस्था ने बहुत कुछ काम किया था और अभी ये कोरोना के समय में पहले से संस्था का योगदान पूरे विश्व में, पूरे भारत में और यहाँ नागपुर में भी पहले लॉकडाउन में भी मंदिर से जो कुछ राशन किट बनाई थी, हर रोज वहाँ से फूड पैकेट हम बांटते थे एवं 4000 रोटी हर रोज कॉरपोरेशन विभाग को वहाँ से सप्लाई होती थी. तो समाज के साथ में ही हम हर रोज रहते हैं. प्रमुख स्वामी महाराज का एक वाक्य था, बिजाना भलामा आप लोग भलो, यानी इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज अवर वर्क, दूसरों के भलो भलाई में अपनी भलाई, दूसरे का सुख जो है उसमें ही अपना सुख है. तो इस तरह अभी यहाँ जो हॉस्पिटल में सेवा का काम अविरत जो चालू है, तो भगवान को हम प्रार्थना करते हैं कि राधा कृष्ण हॉस्पिटल का जो कुछ विकास अभी तक जो हुआ है, आगे जाके भी यह हॉस्पिटल से अच्छे से काम होते रहे. हमें 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन प्राप्त हुई है. ये मशीनें उन जरूरतमंदों को निःशुल्क दी जाएगी जिन्हें इसकी जरूरत है. इसका हम किसी प्रकार का चार्ज नहीं लेंगे, सिर्फ जरूरतमंदों को ही देंगे. यह हम स्वामी जी सरकार और स्वामी मुनिधर जी के साथ जी श्री हरिराज जी स्वामी जी भी पधारे हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ. और स्वामीनारायण जी के बारे में आज के 250 साल पहले जन्म हुआ, उन्होंने मानवता की दीक्षा दी, अनपढ़ लोगों को शिक्षा की दीक्षा दी, उसके बाद में जरूरतमंद को इलाज, भूखे लोगों को अनाज और यह कार्यक्रम को आगे बढ़ाते गए. स्वामी श्री का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, पांडे परिवार में था और सबसे ज़्यादा जन्म गुजरात में हुआ और गुजरात से फैलता हुआ पूरा विश्व के अंदर आज उनके कार्यक्रमों की कार्यक्रमों को फॉलोअप कर रहे हैं. और आनंद में सबसे बड़ा इनके अंदर परिवार संगठित कैसा है इसके बारे में विशिष्ट सिखाया जाता है. शिष्यों का क्या कर्तव्य है, कैसे सत्य बोलना, कैसे अपने जीवन को निर्वाह करना, कैसे जरूरतमंद की सेवा करना, शिक्षा का दान कैसे करना या अन्न भोजन कैसे देना, और इस प्रकार के व्याख्यान के अंदर ये व्याख्यान हर परिवार में, हर समाज में और हर संगठन में जरूरी है. हम भी चाहेंगे कि राधा कृष्ण परिवार में आपका प्रवचन जब भी समय हो, तो कोरोना का समय निकलने के बाद आप मार्गदर्शन.